हेलो यूट्यूब, ट्रेडल में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एपीआई कैसे परचेज़ करना है। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और आपको लिखना है कि जीरोधा एपीआई। ओके, तो आपको पहला लिंक आएगा काइट डॉट ट्रेड, आप उस पर जाइए। ठीक है, एक बार आप इस पर जाते हैं तो आपको पहले यहाँ पर साइनअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ईमेल आईडी, नेम आपका और पासवर्ड, फ़ोन नंबर, आप ऐसा करेंगे तो साइनअप हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको एक आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, तो फिर आप उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करिए। ओके, तो एक बार लॉगिन करने के बाद तो यहाँ पे आईडी डाला, यहाँ पे पासवर्ड एंड यहाँ पे लॉगिन किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लॉगिन हो गया। तो जब आपका फ्रेश आएगा तो इस तरीके से दिखेगा, माई एप्स, बिलिंग, प्रोफाइल, फॉरम, लॉगआउट। ठीक है, तो आप बिलिंग में जाइए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप दो तरीके के एपीआई होते हैं, पहला होता है लाइव एपीआई और होता है हिस्टोरिकल एपीआई। तो लाइव एपीआई से लाइव डेटा आता है, आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और हिस्टोरिकल एपीआई से इंडिकेटर्स का डेटा हम लोग बना सकते हैं उससे। ठीक है, तो हिस्टोरिकल एपीआई के लिए हिस्टोरिकल एपीआई लेना होता है तो टोटल 4000 रुपीज़ ऐड करने पड़ते हैं, और सिर्फ लाइव एपीआई लेना होता है तो 2000 रुपीज़ ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐड पैसे ऐड करने के दो मेथड है। या तो आप डायरेक्टली काइट से ही इसको ऐड कर सकते हैं, तो मतलब आपके ट्रेडिंग अकाउंट से ही पैसा वहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा अगर आप इसको करते हैं, कनेक्ट यूजिंग काइट के मेथड को करते हैं। और दूसरा है कि आप कहते हैं फंड यूजिंग पेमेंट गेटवे, मतलब ये आपको आपके बैंक अकाउंट नेट बैंकिंग पे ले जाएगा या कार्ड से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली काइट से ऐड करके मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो कनेक्ट यूजिंग काइट करेंगे तो ये कहेगा ऑथराइज करना है, तो आप ऑथराइज करिए इसको। ठीक है, तो ये बोला सक्सेसफुली लिंक्ड टू योर जीरोधा अकाउंट, मतलब अब ये आपके जीरोधा अकाउंट को लिंक हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जैसे 2000 रुपये ऐड करने हैं तो लाइव, और 4000 रुपये ऐड करेंगे तो आपको बहुत डेटा आएगा। तो अभी मैं आपको आपको सिर्फ लाइव करके बताऊँगा। आपको हिस्टोरिकल चाहिए तो आप यहाँ सिंपली 4000 लिख दीजिए। ठीक है, अभी मैं ऐड क्रेडिट करूँगा। ओके, तो कहेगा कि आप 2000 रुपये पे करना चाहते हैं जीरोधा अकाउंट से, मैं कहूँगा ओके। उसके बाद ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बिलिंग्स में 2000 रुपये अब यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। ठीक है, अभी ये क्या होगा, अभी आपको हर मंथ आके यहाँ पे पैसे जमा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी ये क्या करेगा, योर सब्सक्रिप्शन विल बी ऑटोमेटिकली रिन्यूड एवरी मंथ, मतलब ये हर मंथ आपका रिन्यू होता जाएगा। ओके, अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं कि ये हर मंथ ना काटे, तो आप अनलिंक पे क्लिक करोगे तो अब वो अनलिंक हो जाएगा, सक्सेसफुली अनलिंक्ड, मतलब कि अब कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, अब आप जाइए माय ऐप्स पे, यहाँ पे लिखिए क्रिएट न्यू ऐप। ओके, अब आप ऐप का कोई नेम दीजिए, जैसे आपने यहाँ पे दे दिया रोबोकॉप। उसके बाद आपको आपकी क्लाइंट आईडी देनी पड़ेगी इधर। ओके, तो जैसे कि एक्सएम। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा रीडायरेक्ट यूआरएल। रीडायरेक्ट यूआरएल क्या होता है, जहाँ पे आपको आपका रिक्वेस्ट टोकन मिलेगा। तो आप क्या करिए, google.com पे जाइए और टोटल https://google.com को कॉपी कर लीजिए। ओके, और यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट यूआरएल में इसको पेस्ट करना। आप कोई भी https की साइट उठा सकते हैं। ये हो गया, फिर आपको यहाँ पे लिखना है क्रिएट। तो वो बोलेगा कि एक बार आपको फाइनल नोटिस देते हैं, लोग कहेंगे कि एपीआई 2000 रुपये लेता है और ये 30 दिन के लिए वैलिड है। आप आई अंडरस्टैंड लिखेंगे तो कंफर्म हो जाएगा, तो आपको आई अंडरस्टैंड लिखना है यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो अभी देखिए एक नया ऐप बन गया रोबोकॉप 31 डेज़ के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर है इसकी एपीआई की और यहाँ पे है इसका एपीआई सीक्रेट। ओके, तो यहाँ पे एपीआई की और एपीआई सीक्रेट इस तरीके से यूज़ हो जाता है। सो ये है वीडियो। अभी मान लीजिए आपको इंडिकेटर का भी डेटा चाहिए, तो आपको ना हिस्टोरिकल एपीआई पे क्लिक करना पड़ेगा। हिस्टोरिकल एपीआई पे यहाँ सब्सक्राइब है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको 2000 रुपीज़ और ऐड करने पड़ेंगे। आप यहाँ 2000 रुपीज़ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पे हिस्टोरिकल एपीआई पे सब्सक्राइब पे क्लिक करके आई अंडरस्टैंड करिए, तो आपका हिस्टोरिकल एपीआई भी एक्टिव हो जाएगा। ओके,
मैं जस्ट आपको ये शो कर देता हूँ कि हिस्टोरिकल एपीआई एक्टिव होने के बाद कैसा दिखता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे एक्टिव लिख के आपका आ जाएगा, ओके। तो सब्सक्रिप्शन आपका बेसिक सब्सक्रिप्शन ये ऑन है और हिस्टोरिकल एपीआई भी आपका एक्टिव है जब आप उसके लिए पे कर देंगे तो, ओके। सो इस तरीके से एपीआई को परचेज करते हैं। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।